जय हिंद सर। जय हिंद जवान। जवान, एक आतंकवादी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में घुस गया और हमें सूत्र से खबर मिला है वो आतंकवादी एक ब्लैक जैकेट पहना हुआ है और हाँ वो पश्चिम की दिशा की ओर जा रहा है, तुम जाके देखो। ओके सर, जय हिंद। मैं बॉर्डर से भाग के तो आ गया लेकिन अब तक तो आर्मी वालों को पता चल गया होगा और वो लोग मेरा पीछा जरूर करेंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे वो एक किसान है ना, आइडिया। अरे भैया आप इतनी ठंड में काम कर रहे हो, आपको ठंड नहीं लगती? क्या यार करूं भैया, ठंड तो लगती है लेकिन स्वेटर खरीदने की पैसा नहीं है। भैया एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ हाँ जरूर बोलिए। भैया अपना मेरा ये स्वेटर रख लीजिए, मेरे पास बहुत है। अरे अरे भैया नहीं चाहिए। अरे रखिए ना प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद भैया आपको। अरे भैया पहन के देखिए ना। वाह भैया बहुत अच्छा लग रहे हो। ठीक है भैया मैं चलता हूँ। चलो आज का हम तो खत्म हुआ, अब घर चलता हूँ। अरे फौजी, तो मेरा शक सही था, फौजी मुझे ढूंढे ढूंढे यहाँ पर आ गया। वो भैया कितना अच्छा था, मुझे ठंड लग रहा था इसलिए मुझे अपना जैकेट दे दिया। जो भी हो बहुत अच्छा था, अब जल्दी से घर चलता हूँ। अरे वो किसान भी तो इसी तरह आ रहा है, चलो मजा आएगा, देखते हैं। एक सेकेंड, ब्लैक जैकेट जैसे लग रहा था ना। ओए, सुन, जी सर बोलिए। पहले तो उस औजार को फेंक। पर क्यों सर? फेंक ने बोला ना, फेंक। जी सर। वाह मेरा आइडिया काम कर गया, वो किसान फंस गया। चलो अब मैं यहां से भाग जाता हूं। हैंड्स अप। मेड इन पाकिस्तान कीड़े, बैठ। आपने आपको बहुत छाना समझता है क्या? तूने क्या सोचा था इतना आसानी से इंडियन आर्मी की आंखों में धूल चौक के भाग जाएगा? सर 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 आंखों में धूल चौक दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर सर। ओए रोना बंद कर, अगर तू सच बोल रहा है तो तेरे पास पाकिस्तानी जैकेट कहां से आया? असल में सर हुआ था कि, अरे भैया पहन के देखिए ना। वाह भैया बहुत अच्छा लग रहे हो। ठीक है भैया मैं चलता हूँ। वाह बेटा वाह, कहानी तो बहुत अच्छा सुना लेता है तू, लेकिन अफसोस तेरे कहानी मेरे पास टिक नहीं पाएगा।
जय हिंद सर। जय हिंद जवान। जवान मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था कि गर्दन में एक पाकिस्तानी सिंबल बना हुआ है, इससे तुम्हें पहचानने में आसान होगा। ओके सर, मैं जाकर देखता हूँ, आप फिकर मत कीजिए। अरे इस गर्दन में तो कोई टैटू नहीं है, लगता है ये वो नहीं है। उठ। सॉरी, मुझे थोड़ा गलतफहमी हो गया था, आप जा सकते हो। उस किसान ने जो बताया था उसकी बात के मुताबिक मुझे नहीं लगता इस 10 मिनट के अंदर वो लड़का ज्यादा दूर गया होगा। थोड़ा पैर चला के चलता हूँ, शायद वो मिल जाए। अरे वो एक लड़का जा रहा है ना, मुझे तो उस पर ही शक हो रहा है, जाके देखता हूँ। ए! कौन है तू और इधर कहाँ जा रहा है? सर मेरा नाम शिवा है, मैं कॉलेज से घर जा रहा था। ओ अच्छा, ठीक है, इस मास्क को उतार। क्यों सर? उतारने का है ना, उतार। नहीं नहीं सर, मैं नहीं उतर सकता, मेरा जुकाम है। उतार। सर सर सर, खोलता हूँ। वाह बेटा वाह, खेल तो तूने बहुत अच्छा से खेला था, लेकिन इंडियन आर्मी के बुद्धिमत्ता के सामने तू टिक नहीं पाया। और एक बात, क्या तू जानता है, तूने जो किसान को अपना जैकेट दिया था ये बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन उसके साथ साथ तू अपना टैटू भी उसे देता तो शायद आज तू पकड़ नहीं जाता। आयन तका